आज के लिए इतना ही करते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट था एक बार उस पर ध्यान देख लो। देखो सबसे पहले बात करोगे आप लोग एसएससी की, ठीक है, एसएससी की बात करोगे 2022 में आप लोगों ने जो भी किया हो, जो भी ना किया हो, इग्नोर करते हुए एक चीज हमेशा याद रखना, इग्नोर आप लोग कर रहे हो लेकिन आपकी एज नहीं कर रही है, एज लगातार बढ़ रही है, एक दिन, दो दिन, 10 दिन, एक साल, फिर आगे, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा आपको देखना है। इसके बाद में अभी देखा जाए 2023 का जो न्यू कैलेंडर है, न्यू कैलेंडर है ये वर्तमान में जारी हो चुका है, इसको वर्तमान में आपके एसएससी के द्वारा ही जारी कर दिया गया है, सारी की सारी वैकेंसीज आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इन वैकेंसीज को कैसे देखते हो, क्या करते हो। सबसे पहले देखोगे एक आपका एसएससी एमटीएस है, एक आपका दोस्तों सीजीएल है, और एक आपका सीएचएसएल है। ये जो चार एग्जाम, तीन एग्जाम आपके सामने हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम हैं। लेकिन इसके बाद में भी एक वर्दी वाला एग्जाम है जिसको आप लोग सीपीओ के नाम से जानते हो, सीपीओ के नाम से, जिसमें आप दिल्ली में या किसी भी पोस्ट पर एसआई डायरेक्ट पोस्टेड होते हो जाके, बहुत ज्यादा इनकम भी होती है और बहुत ज्यादा पावर भी होता है। इन सबके पैटर्न, पेपर पैटर्न की बात की जाए, पीपी की बात की जाए, तो लगभग में यह सेम होता है, बस एमटीएस में मेंस नहीं होता है, बाकी सब में आपको मेंस देखने के लिए मिलेगा। सीएचएसएल में पहले मेंस नहीं होता था, अब सीएचएसएल में भी आपको मेंस देखने के लिए मिलता है बोथ में। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इसमें देखो चार में से एक आपका सब्जेक्ट आपको इंग्लिश देखने के लिए मिलता ही मिलता है, एक आपको यहाँ पर मैथ भी मिलता ही मिलता है। इंग्लिश मैथ के बाद में एक सब्जेक्ट आपका रीजनिंग हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है दोस्तों आपका जीके और जीएस का, ठीक है, जीके और जीएस का, जिसको हम नहीं मानते, मानते तो सिर्फ करंट अफेयर्स को। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक सब्जेक्ट और जुड़ गया है जिसको आप लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हो। पहले सीजीएल में मैथ्स में कुछ नहीं पूछा जाता था, सिर्फ इंग्लिश और मैथ आती थी, बट अब सीजीएल में भी ये सारी चीजें आपकी पूछी जाने लगी है। अब बात आती है कवर कैसे करें। देखो इंग्लिश के टॉपिक उसमें ऑलरेडी दिए गए हैं, इंग्लिश को किसी बुक कहीं से भी आप लोग टॉपिक वाइज सबसे पहले इसके नोट्स बनाइए इंग्लिश के, उसके बाद इंग्लिश अगर आप लोग क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों प्रैक्टिस सेट से निकलेगी। जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस और सेट सॉल्व किए होंगे, जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे उतना ज्यादा आप इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हो। अगर बात करें मैथ की, मैथ सेम एज इंग्लिश ग्रामर के तहत जाती है, सबसे पहले टॉपिक वाइज कवर करो, लेकिन ऐसे टीचर से कवर करो जो आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करे और अपर लेवल तक लेकर जाए। ऐसा ना हो जीरो से लेके अपर लेवल तक जाओ और बीच का सारा भूल जाओ, ऐसा ना हो। हर क्वेश्चन में टचबिलिटी आपकी पहले क्वेश्चन से साथ में होनी ही चाहिए जीरो से लेके। बात करते हैं रीजनिंग की, अगर आपको मैथ आती है अच्छे तरीके से तो रीजनिंग हमेशा आएगी, बस रीजनिंग में प्रैक्टिस करते रहना, रीजनिंग में प्रैक्टिस करते रहना, और आपको बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बात आती है करंट अफेयर की, इसमें मेरी गारंटी है, आपको बस एक ही काम करना है, मेरे साथ रेगुलर रहना है, 1 जनवरी से रात 11 बजे से ये मेरी रेगुलर क्लास रहेगी, रात 11 बजे रेगुलर मेरी क्लास रहेगी, रात 11 बजे, और जो करंट अफेयर्स है ये मेरी रेगुलर क्लास रहेगी सुबह 5 बजे, चाहे संडे हो, चाहे कोई त्योहार हो या कुछ भी हो, ये क्लास कभी भी आपको ऑफ नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको पता है 2023 जो है वो मेरा लास्ट आप लोगों के लिए है। सिलेक्शन ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो फिर गुमराह बने रहोगे, जैसे बहुत से हजारों लाखों स्टूडेंट गुमराह बने हुए हैं, ये बने रहेंगे, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। बाकी देखो जो जैसा कर रहा है करने दो, जो जैसा चला रहा है चलाने दो, बस अपने पे ध्यान दो, और सिलेक्शन होना चाहिए, बस ये बेस्ट थिंग।